हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि अध्यापक संघ नई शिक्षा नीति का स्वागत करता है, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर बदलाव किए जाने भी जरूरी है, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। समय की मांग है, भारत सरकार का एक प्रयास, उसका हम सब सराहना करते हैं। 35 साल के लंबे अंतराल के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव करने का प्रयास किया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर गुणवत्ता की दृष्टि से बदलाव की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे पहलुओं को अभी और भी जोड़ा जाना बाकी है, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में अभी हाल ही में 29 सितंबर को स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हम जो है 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का अब टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर जो है मूल्यांकन करेंगे, वार्षिक परीक्षाएं 2 बार करेंगे। और उसमें ये भी कहा कि हम जो है सिलेबस आधा आधा बांटेंगे, उसमें थ्योरी की बात है चाहे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात है। लेकिन उसमें ये कहा कि हम नवंबर में पहली परीक्षा करेंगे, उसके बाद मार्च में दूसरी परीक्षा करेंगे। तो मैं ये सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा था चेयरमैन स्कूल शिक्षा बोर्ड से कि अगर आपने टर्म सिस्टम पर जाना था तो सत्र हमारा मार्च में शुरू हो गया है, तो मार्च से लेकर 29 सितंबर तक आप क्या करते रहे, आपने उसके ऊपर कितना काम किया, कितनी एक्सरसाइज की? आपके पास बहुत बड़ी टास्क फोर्स है, आपके पास बहुत सारे शिक्षाविद है, आप खुद एक शिक्षक है, शिक्षाविद है, एक शिक्षक होने के नाते आपने इस दिशा में कितने प्रयास किए, उसका जीता जागता उदाहरण आपने पिछले कल जब मैंने प्रश्न उठाया कि आपने मात्र नोटिफिकेशन जारी करने से एक हड़कंप पैदा कर दिया बच्चों के अंदर और शिक्षकों के अंदर कि हम नवंबर में पहला टर्म करेंगे, जबकि पहले टर्म के पेपर तो हमारे सितंबर में हो चुके हैं बच्चों के +1 +2 के, उसका मूल्यांकन भी हो चुका है, उसके रिजल्ट भी वेबसाइट पे लोड हो चुके हैं। तो किस टर्म की बात आप 29 सितंबर को करना चाह रहे हैं, पहले तो ये आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं। दूसरी बात, अगर आपने 50% सिलेबस की बात की है तो आपने 50% सिलेबस आपका तैयार नहीं था, वो थ्योरी की बात करें चाहे प्रैक्टिकल विषय की बात करें, आनन फानन में पिछले कल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कुछ शिक्षकों को बुलाकर आपने देखा, आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पे देखा है, वो सब ने लिंक शेयर किए हुए हैं, कितना भद्दा मजाक और कितना मतलब बोर्ड ने अपना स्टैंडर्ड घटाया है और किस तरह का जो सिलेबस और उसका जो ड्राफ्ट है, मुझे तो खुद में शर्म आ रही है आपके समक्ष ये बात कहते हुए। मतलब एक रफ वर्क जो बच्चा करता है उससे भी कहीं बदतर वो स्थिति है सिलेबस की, जो हैंडमेड शिक्षकों के द्वारा हो या किसके द्वारा वो लिखाया गया है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता हूँ कि हमारा शिक्षक इतना गंदे हैंडराइटिंग से और इतना रफ वर्क करके जो कोई सिलेबस तैयार कर सकता है, वो चेयरमैन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर पिछले कल शाम को डाल दिया है। और ये सूचना दी गई कि हमने जो सिलेबस है 50% सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट टर्म का और 50% अगले टर्म का बांट दिया है। तो मैं आपसे भी मीडिया बंधुओं से गुजारिश करता हूँ और समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी, अभिभावकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप उसको ज़रूर एक बार देखें कि किस तरह का सिलेबस स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वेबसाइट पर डाला है, क्या तैयारियाँ स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेके है, वो उससे साफ झलक जाता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड करोड़ों रुपया फीस के रूप में जो है बच्चों से इकट्ठा करता है, इस बार भी किया है, हर साल करता है, सबसे अमीर बोर्ड है। और 10 रुपये एक टाइपिंग के ऊपर, एक आपको जो सिलेबस तैयार करना है उसको, सिलेबस को बाइफ्रिकेट करना है मैं तो ये कहूँगा, उसको करने के लिए 10 रुपये एक टाइपिंग का खर्चा होता है, एक उसके लिए 10 रुपये भी आप खर्च नहीं कर पाए। तो मैं जानना चाहता हूँ स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको हाथ से बना हुआ रफ वर्क जिसमें दुनिया भर की शुद्धियाँ हैं उसको आपको वेबसाइट पे सिलेबस के रूप में डालना पड़ा, उससे और प्रदेशों में और जगह हमारे बोर्ड की, हमारे प्रदेश की क्या एक रिफ्लेक्शन जा रही होगी वो हम समझ सकते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता की जो हम बात बार बार कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता की बात नहीं हो रही है, शिक्षा को खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।